केरला हाउस है, वहाँ पे केरला हाउस में मेरा एक मित्र है मलयाली, उसका फोन आया कि दिल्ली में गौ मांस बीफ केरला हाउस में खुलेआम खा रहा है। हम लोग वहाँ जाते हैं, हमने जो अंदर केरला हाउस की कैंटीन है वहाँ जाके ये मेनू लगा हुआ था, हमने उनसे केरला हाउस के लोगों से पूछा ये आपने सारा चीज इंग्लिश में लिखा है, ये मलयाली भाषा में क्या है? उन्होंने बोला ये बीफ करी, तो हमने बीफ करी है तो मैं पूछता हूँ इससे गाय का मीट है? तो वो कुछ लोग बोलते नहीं है, वो चुप हो जाते हैं, तो हमें संदेह पैदा होता है कि ये गाय का मांस यहाँ बेच रहे हैं, बीफ करी बेच रहे हैं। फिर मैं बाहर जाता हूँ, मैं 100 नंबर PCR कॉल करता हूँ, अपनी जो शिकायत है वो दर्ज कराता हूँ, PCR की गाड़ी आती है, PCR की गाड़ी के साथ दो हमारे कार्यकर्ता अंदर जाते हैं और कैंटीन वालों से बात करते हैं। जब उनके मैनेजमेंट से दिल्ली पुलिस बात करती है तो जो केरला हाउस का मैनेजमेंट है उन्होंने बहुत ही बदतमीजी से दिल्ली पुलिस के साथ पेश आए, दिल्ली पुलिस को धक्का मार के बाहर किया और हमारे लोगों के साथ मारपीट की, एक लड़के का सारा पूरा कमीज फट गया है, और उल्टा दिल्ली पुलिस के लोग उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय हमारे लड़के को रात 11 बजे तक उन्होंने डिटेन करके रखा। वाई ये क्यों डिटेन किया? हम कंप्लेंटर हैं, वहाँ पे गाय मांस जो कि यहाँ बैन है, बीफ यहाँ बैन है, दिल्ली में भी बैन है, उत्तर भारत में भी बैन है, यहाँ खुलेआम कैसे? ये केरला नहीं है, ये दिल्ली है, और हम माननीय मोदी जी से मांग करते हैं कि सेंटर राष्ट्रीय स्तर पे गौ मांस पर बैन लगाने के लिए कानून लाए, ताकि लोग पूर्व उत्तर के राज्यों में और जो लोग केरल में खा रहे हैं वहाँ पे भी ना खा सके। वहाँ से उनकी शिकायत थी, वहाँ पे दिल्ली पुलिस के लोगों ने भी मुझसे बोला, और जैसा कि न्यूज़पेपर में छपा है, वो लोग जो मैनेजमेंट है केरला का वो ये कहते हैं कि ये दे आर केरला प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है ये केरला के दिल्ली पुलिस की हिम्मत कैसे अंदर आने की? मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये प्रॉपर्टी केरला की होगी, बीफ वहाँ बैन नहीं है, लेकिन उत्तर भारत में बीफ बैन है, हम बिल्कुल भी, और जुडिशरी दिल्ली की जुडिशरी दिल्ली पुलिस के अंडर आती है, हम दिल्ली पुलिस के मांग करते हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दिल्ली पुलिस ने उसका क्यों नहीं सैंपल लिया गया, क्यों नहीं उन लोगों से पूछताछ की गई है, उनका सैंपल भरते, सैंपल जांच के लिए भेजो कि वो बीफ है या नहीं है, फिर उसके बाद केरला हाउस के लोगों की ओर से सफाई आती है, वो ये कहते हैं कि ये बीफ नहीं है, ये बोफेलो है, ये भैंसे का मांस है। अगर बीफ पर इतनी कंट्रोवर्सी है, भैंसे का मांस फैला हुआ है, भैंसे का मांस आप खाते हो खाइए ठीक है, लेकिन भैंसे का मांस लिखिए आपने, बोफेलो लिखिए, लेकिन अब बीफ क्यों लिख रहे हो?